हेलो गाइस, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की वर्कआउट की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास। तो आज मेरा आर्म्स डे है और आज मैं अपने बाइसेप और ट्राइसेप को दोनों को साथ में ट्रेन करूंगा और आपको बताऊंगा वो सारी बेसिक मूवमेंट जिसके कारण मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप का स्ट्रेंथ और साइज इतना ज्यादा है। कोई भी फैंसी मूवमेंट नहीं करना है गाइस, वो सारी बेसिक मूवमेंट करनी है पहले, जिससे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का स्ट्रेंथ बढ़े, मसल मास बढ़े। और ये फोकस करना है कि हमें उस वर्कआउट को, उस मूवमेंट्स को अच्छे से सीखना है, उसका करेक्ट फॉर्म, करेक्ट पोस्चर और कितना वेट लगाकर हम सही तरीके से कर सकते हैं, सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो वर्कआउट करते हुए आपको मैं उसका पोस्चर बताता जाऊंगा, रैप रेंज बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपका प्री वर्कआउट ले लेता हूं गाइस और स्ट्रेचिंग वार्म करके स्टार्ट करते हैं आर्म्स डे। विदाउट प्रॉपर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग गाइस, कभी भी आपको वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है, चाहे आप छोटा मसल ट्रेन कर रहे हो या बड़ा मसल ट्रेन कर रहे हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट कभी भी ट्रेन कर रहे हो, ऑलवेज प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप के बाद ही आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो आई टुक माय प्री वर्कआउट, अब मैं अपना स्ट्रेचिंग वार्म अप करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। गाइस, फुल बॉडी वार्म अप करने के बाद मेक श्योर आप लाइट वेट से अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के वार्म अप सेट लगाएं, जिसमें आपको 20-20 रेपिटेशन लगाने हैं। इससे इंजरी के चांसेस भी कम जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और पंप भी बहुत अच्छा आता है। गाइस बाइसेप्स का जो पहला वर्कआउट है वो स्टैंडिंग बारबेल कर्ल, मीडियम साइज का रॉड यूज कर रहा हूं गाइस, और फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको वर्कआउट करना है, बारबेल को कहीं रोकना नहीं है। ग्रिप आपको अपने शोल्डर जितना रखना है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना है और बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं पकड़ना है। गाइस 15 रेपिटेशन का यह सेट होगा गाइस और ये हमारा बाइसेप्स का पहला वर्कआउट होगा गाइस। इसके बाद 15 रेपिटेशन पूरा करने के बाद हम अपना ट्राइसेप लगाएंगे, सुपर सेट लगाएंगे गाइस विदाउट रेस्ट। ट्राइसेप्स के लिए पहला वर्कआउट होगा हमारा गाइस केवल ट्राइसेप पुश डाउन, पोस्चर का ध्यान रखना है गाइस, शोल्डर पीछे जितना ही आपका ग्रिप होगा और वेट को जब नीचे की तरफ पुश करेंगे, मेक श्योर आप ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्शन दे, हाफ सेकंड का पॉज दे और ऊपर वेट को स्लो लेकर आए गाइस, इससे आपके ट्राइसेप का पंप बहुत अच्छा आया गाइस। इसको भी आपको 15 रेपिटेशन लगाने, इस तरह से दो सेट लगाने के बाद गाइस आपको मेन वर्किंग सेट लगाना है और इतना वेट लगाना है कि आपके उसमें 8-10 रेपिटेशन आए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेना है गाइस, कोशिश करना है खुद से वर्कआउट करने का, खुद से लिफ्ट करने का। यहाँ पर लोअर बैक पर सपोर्ट के लिए मैंने बेल्ट लगा लिया है और यहाँ पर मैं 30 kg अभी लिफ्ट कर रहा हूँ, मोर देन 30 kg है गाइस, और आप देख सकते हैं कितने सही पोस्चर के साथ मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। तो जितना हैवी वेट आप करेक्ट पोस्चर के साथ लिफ्ट करेंगे, उतना अच्छा आपका माइक्रोस्कोपिक डैमेज होगा, और जब अच्छा मील लेंगे, अच्छा रेस्ट करेंगे, तो आपके मसल का साइज भी बढ़ेगा गाइस। और कोई अलग से सीक्रेट नहीं है गाइस अपने बाइसेप ट्राइसेप को या किसी भी बॉडी पार्ट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से गाइस ये ट्राइसेप का वर्किंग सेट है, इतना वेट लगाया मैंने कि 8-10 रेपिटेशन आए। वेट को थोड़ा काउंटर करने के लिए मैं थोड़ा झुक गया हूं और नीचे की तरफ वेट को लाकर अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन दे रहा हूं ट्राइसेप पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्राइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है मेरे। तो इसी तरह से आपको वर्किंग सेट लगाना है गाइस, कोशिश करना खुद से वर्कआउट करें, बहुत कम सपोर्ट। सेकंड वर्कआउट गाइस बाइसेप्स के लिए सीटेड डंबल कर्ल, पहला सेट है गाइस, तो मैं 15 रेपिटेशन लगाऊंगा, दो सेट लगाऊंगा 15-12 रेपिटेशन के, उसके बाद ही वर्किंग सेट करूंगा। डंबल को आपको बीच में पकड़ना है और फुल रेंज ऑफ मोशन में बाइसेप्स को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन देना है और नीचे स्लो लाना है गाइस, कोई चीटिंग नहीं करनी है। मेक श्योर आप माइंड मसल कनेक्शन यहाँ पर रखें, डंबल को कोशिश करें अपने बाइसेप्स से लिफ्ट करने का, नहीं तो आपके फोरआर्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ग्रिप को लाइट रखना है गाइस और बाइसेप्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है, बीच बीच में डिहाइड्रेट होंगे तो पानी पीना है गाइस। इसके तुरंत बाद हम ट्राइसेप्स का वर्कआउट करेंगे गाइस, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस बहुत ही अच्छी वर्कआउट है गाइस, ट्राइसेप के स्ट्रेंथ के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है इसमें, बहुत ज़्यादा लोग वाइड या क्लोज पकड़ लेते हैं गाइस। आपको अपने शोल्डर जितना है ग्रिप रखना है और चेस्ट से थोड़ा ऊपर वेट को लाना है, उसके बाद ऊपर की तरफ पुश करना है ट्राइसेप से अपने माइंड को कनेक्ट करते हुए। गाइस बहुत अच्छी वर्कआउट है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो इसका बहुत अच्छा वेट लिफ्ट कर पाएंगे। तो सेकंड वर्कआउट हमारा जो बाइसेप्स और ट्राइसेप के लिए हुआ गाइस, डंबल बाइसेप्स कर्ल, उसके तुरंत बाद सुपर सेट में हम लेंगे क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, दोनों में 15-15 रेपिटेशन, 12-12 रेपिटेशन के दो दो सेट लगाएंगे गाइस। गाइस अब मैं लगाऊंगा डंबल कर्ल का मेन वर्किंग सेट, इतना वेट लिफ्ट कर रहा हूं कि मेरे सेल्फ 8-10 रेपिटेशन आए, जरूरत पड़ने पे मैं सपोर्ट लेता हूं, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूं कि सेल्फ अपना वर्कआउट करूं विद करेक्ट फॉर्म एंड पोस्चर। गाइस इतना वेट रखना है कि आपका पोस्चर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए, बट आपको एफर्ट लगाना है। आप देख सकते हैं मेरे फेस से आपको पता चल जाएगा मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं, बट फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा हूं। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ डंबल को ऊपर की तरफ ले जाकर बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्शन भी दे रहा हूं और नीचे की तरफ स्लो ला रहा हूं गाइस। तो इसी तरीके से आपको सीटेड डंबल कर्ल लगाना है गाइस। मेक श्योर आपका वर्किंग सेट
तरीके से हो, क्योंकि वो सेट वर्किंग सेट जो फाइनल सेट होता है उसी से आपके मसल्स को माइक्रोस्कोपिक डैमेज मिलेगा और अच्छे रेस्ट और रिकवरी के बाद ही आपका साइज बढ़ता है गाइस। अब विदाउट रेस्ट मैं ट्राइसेप क्लोज ग्रिप लगाने जा रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हैं वेट यहाँ पर मोर देन 25-50 केजी है और विथ करेक्ट फॉर्म एंड पोस्चर बारबेल को नीचे की तरफ ला रहा हूँ और ऊपर पुश कर रहा हूँ फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ गाइस। तो जब आप सही तरीके से वर्कआउट करते हैं गाइस तो आपका मसल नेचुरली भी ग्रो करता है। सेट कंप्लीट होने के बाद गाइस रेस्ट पीरियड में जिस भी बॉडी पार्ट को आप ट्रेन कर रहे हैं उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन देने से उस मसल का शेप अच्छा होता है, फ्रेम अच्छा होता है और साइज और पंप देखकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको वर्कआउट करने में और ज़्यादा मजा आता है। पंप चेक करने के बाद गाइस मैं लगाऊंगा बाइसेप्स का थर्ड वर्कआउट स्टैंडिंग डंबल हैमर कर्ल। मेक श्योर डंबल को बीच में पकड़ें और ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो, नहीं तो आपका फोरआर्म बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। माइंड मसल कनेक्शन यूज़ करते हुए आपको बाइसेप्स से डंबल को लिफ्ट करना है, शोल्डर तक लेकर जाना है, कॉन्ट्रैक्शन देना है बाइसेप्स को और नीचे की तरफ स्लो लेकर आना है गाइस। बहुत अच्छा वर्कआउट है ये गाइस बाइसेप्स के लिए, इससे आपका फोरआर्म भी बहुत अच्छा पंप होता है। आप देख सकते हैं बाइसेप ट्राइसेप और फोरआर्म में कितना अच्छा पंप आ रहा है मेरे। इसके बाद मैं लगाऊंगा गाइस ट्राइसेप्स का वर्कआउट सुपर सेट डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इसके भी 3 सेट लगाऊंगा गाइस। डंबल को बहुत ज़्यादा जोर से नहीं पकड़ना है, आपको हुक की तरह उसे लटकाना है, ट्राइसेप को नीचे लेकर आना है और ट्राइसेप से ही आपको वेट को ऊपर की तरफ पुश करना है। जब आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं गाइस मेक श्योर माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप कोई भी वेट लिफ्ट करेंगे आपको उस मसल से वेट को कनेक्ट करने की कोशिश करना है गाइस। गाइस बाइसेप्स का लास्ट वर्कआउट मैं लगाऊंगा बाइसेप्स प्रीचो कर्ल। ये वर्कआउट करते समय शोल्डर बिल्कुल लॉक हो जाता है, जिसके कारण ये वर्कआउट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, बट बाइसेप्स पीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है गाइस। इसके भी 3 सेट लगाने हैं। तो जो भी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के वर्कआउट मैंने आज की वीडियो में बताया है गाइस, ये सारे बेसिक वर्कआउट हैं और अगर आप अपने बाइसेप और ट्राइसेप का साइज स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट प्रोग्राम में ये चारों वर्कआउट होने चाहिए। लास्ट वर्कआउट ट्राइसेप की लगा रहा हूँ गाइस केवल ओवरहेड एक्सटेंशन। बहुत लोग इसे बहुत गलत तरीके से करते हैं, तो मेक श्योर जब आप हैंडल को सर के ऊपर खींचें इसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है गाइस, ना कि नीचे की तरफ। नीचे करने से वर्कआउट ईजी हो जाता है बट ट्राइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आता है गाइस। तो ये चारों वर्कआउट गाइस आपको सही तरीके से सीखना है, इस पे पकड़ बनानी है, मीन्स इसमें आपका पोस्चर और टेक्निक अच्छा हो जाना चाहिए और अच्छे तरीके से आप इसे वेट लिफ्ट कर सकें। उसके बाद आप और ज़्यादा वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। तो अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के और एडवांस मूवमेंट बताऊंगा गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर गाइस। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम थिंक फिटनेस थिंक विशाल।